नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपको अल्ट्रा बॉलीवुड में। मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। ये हमारा बहुत स्पेशल सेगमेंट पिक्चर की कमाई या पिक्चर की बिटाई जब तक रिलीज हुई है जग्गा जासूस, जिसका इंतजार ना जाने कितने बरसों से था कि रणवीर कपूर और कतरीना कैफ आएंगे एक साथ एक बार फिर और जग्गा की जासूसी कहानियां हमें सुनाएंगे। अनुराग बासु साहब ने कोशिश बड़ी अच्छी की है, पर सारी बातें बोलने से पहले मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूँ कि एक अच्छा रिव्यू आपका टाइम और पैसा दोनों बचा सकता है। अब जग्गा जासूसी का सीन क्या है कि एक्टर तो अच्छा है ही, रणबीर कपूर और कतरीना कैफ तो स्क्रीन पे अच्छी लगती हैं। अनुराग बासु साहब ने एक म्यूजिकल थ्रिलर बनाने की कोशिश की है, बना दी है। तो मतलब कि आपकी नज़र एक गाने से हटी कि दूसरा गाना शुरू। प्रीतम साहब का संगीत है, उन्होंने मेहनत करी है, पर कभी कभी संगीत आपको बांध लेता है, कभी कभी संगीत आपको कहता है ठीक है गाना आ रहा है ना, मैं पॉपकॉर्न लेकर आता हूँ। मतलब इस तरह का हिसाब किताब भी होता है, तो है तो थ्रिलर। कहानी मुख्तसर से यूं है कि अब दुनिया को बचाने निकला है जग्गा श्रुति के साथ। श्रुति में यानी कि जर्नलिस्ट का किरदार निभा रही हैं कतरीना कैफ और जग्गा का किरदार निभा रहे हैं रणबीर कपूर। उनके स्कूल के डेज दिखाए गए हैं और आप सोचते हैं कि वाह, रणबीर कपूर अभी भी स्कूल जाता है, मतलब स्कूल के बच्चे थोड़े ज़्यादा छोटे नहीं लगते हैं। पर ठीक है, हिंदी फिल्मों में सब कुछ चलता है। अब सीन ये है कि अब दुनिया को बचा रहे हैं और एक एक फ्रेम बड़ा खूबसूरत लगता है, वो चेज सीक्वेंसेज हैं जैसे जासूसी कारनामे होते हैं वैसा ही लगता है आपको, और बड़ा हॉलीवुड से इंस्पायर्ड हिसाब किताब लगता है और बहुत जस्टिस किया गया उसके साथ, तो देखने में तो बहुत मज़ा आता है। लेकिन फिर आप ये ज़रूर पूछते अपने आप से, कहानी कहाँ है? जग्गा की कहानी शुरू में सुनाई, पहले 15-20 मिनट बड़ा अच्छा लगा, उसके बाद कहानी कहाँ गई? अभी कहानी भी तो लेकर आओ। तो उस चीज़ से थोड़ा सा आप डिसअपॉइंट होते हैं, लेकिन आप टोटालिटी में फिल्म को देखेंगे तो बच्चों को काफ़ी एंटरटेन कर सकती है और रणवीर कपूर के फैंस के लिए बहुत अच्छी ये फिल्म है। कतरीना कैफ को जो लोग मिस कर रहे थे कि स्क्रीन पर कब आएंगे, तो वो भी आ गई है स्क्रीन पर, तो उस लिहाज से है ये फिल्म। बाकी फिल्म की लेंथ जो है वो बस फैलती जा रही है। मतलब शाहरुख खान अपने दोनों बाहें ऐसे कर लेना, उसके भी बियॉन्ड अगर फिल्म की लेंथ को मैं डिस्क्राइब करूँ तो वैसी फिल्म की लेंथ है। तो हाँ, बीच बीच में थोड़ा सा इसका मौका देती है, पॉपकॉर्न खाने का मौका बहुत ज़्यादा देती है, पर रणबीर कपूर चूँकि इतने अच्छे लग रहे हैं और कितने क्या बहुत अच्छी लग रही हैं, तो आप कहते हैं कि नहीं यार, अब बैठे हैं तो पूरी फिल्म देख कर ही जाएंगे। कहानी के बारे में मैं और ज़्यादा बोलूँगा नहीं, उसकी वजह क्या है कि अगर कहानी सुना दी तो फिर फिल्म देखने का क्या मज़ा रहेगा। तो बात यह है कि अगर आपने जग्गा की कहानी मिस भी कर दी तो जो है आपको लगेगा कि यार एक फिल्म आई थी इतने वक्त के बाद, तो देखनी चाहिए थी। और अगर आपने कहानी देख ली तो आप कहोगे कि अच्छा यार कुछ और भी होता कहानी में तो ज़्यादा मज़ा आता। तो कुल मिलाकर एक मौका इस फिल्म को ज़रूर दिया जा सकता है, ख़ासतौर पे आप परिवार के साथ इस फिल्म को देख सकते हैं, मतलब बच्चों के साथ इस फिल्म को देख सकते हैं, तो वो एक जिसे कहते हैं ना कि अच्छी बात है, प्लस पॉइंट है। और बाकी तो ठीक है, फिल्म थोड़ा बहुत आपको हंसाती है, हल्के फुल्के इमोशनल मोमेंट्स भी हैं, लेकिन उसके बाद फिल्म एक लूप में जाती है, भागो पकड़ो। तो उस लिहाज से जो है ये फिल्म बहुत एंटरटेन करती भी है और कभी कभी नहीं भी करती है। तो मामला कुल मिलाकर यही है कि आपने सोचा कि भाई इस वीकेंड पे हमने कुछ तो करना है, हमें तो पिक्चर देखनी है, तो आप जाके फिल्म को देखें, रणबीर कपूर के फैंस इस फिल्म को जाके देखें। और अनुराग बसु साहब और रणबीर कपूर की जो जोड़ी है बहुत अच्छा काम पहले भी करती आई है, इस बार भी अच्छा काम करने की कोशिश की है, पर उतने कामयाब नहीं होते नज़र आते जितना कि पहले होते नज़र आए थे। अब समझदार को इशारा काफ़ी है, जो मुझे कहना था मैंने कह दिया। याद रखिए, एक अच्छा रिव्यू आपको टाइम और पैसा दोनों बचा सकता है। और आप हमें डांटें, हमें सुधारें, अपने कमेंट्स हम तक पहुंचाएं, हमें बताएं कि हमारा ये सेगमेंट आपको कैसा लगता है। एंड डू सब्सक्राइब अल्ट्रा बॉलीवुड।